सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय ने कुछ रिफॉर्म्स किए। 2014 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स वाला देश था। उससे जो प्रभाव पड़ता था ग्लोबल कंपटीशन में हम नहीं आ सकते, उससे ये प्रभाव पड़ता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हम पीछे रह जाते हैं। और जिस प्रकार से ग्रोथ बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। भारत सरकार में पूरी ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए, केवल निर्णय ही नहीं लिए, ये जो कुल फैसले लिए जाते हैं ये या तो बजट के समय लिए जाते हैं या फिर कुछ स्पेशल मीटिंग में, लेकिन साल के मध्य में इस तरह के फैसले लेना, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं भारत सरकार आम आदमी से जुड़ी हुई जो बातें रहती हैं उसके प्रति चिंता रहती है। जो GST में टैक्स रिफॉर्म्स किए गए, मुझे तो ये लगता है जम्मू कश्मीर में आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए ये जो कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की गई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभी में हमारे टूरिज्म सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो पोटेंशियल है इसमें टूरिज्म में और इस प्रकार से यूटी के बदले तक हम कर पाएँ। पहले डिस्क्रिमिनेशन जिस प्रकार से रहती थी जम्मू में टूरिज्म को रद्द किया जाए, इस क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से जो किए गए उसमें रिफॉर्म में बहुत बड़ा इससे बदलाव आएगा। जो होटल्स के रूम जहाँ तक 1000 रुपये के कमरे तक उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था उसको उसी दायरे में रखा गया है, लेकिन 1000 से लेकर के 7500 तक जो पहले 5000 तक जो लेवल था उस पर 18% टैक्स लगता था उसको 12% किया गया। अब जो 7500 तक है एक ही टैक्स रहेगा, उसको 5000 वाली उस लेवल को खत्म कर दिया गया है। 28% का जो रेट 7500 से ऊपर वाले कमरे में, मुझे लगता है कि जो भी बाहर से टूरिस्ट आएगा हर वर्ष यहाँ पर 1.5 करोड़ यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, तो टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके अलावा खास करके पहले फलों और सब्जियों पर उसको ही सिर्फ टैक्स से एग्जम्प्टेड किया गया था, तो कोल्ड स्टोरेज में या वेयर हाउसिंग में मिल जाती थी। अब उसमें दालें, उसमें गन्ना, रॉ वेजिटेबल्स, फाइबर्स, कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें उनको भी ऐसे ही क्षेत्र में रखा गया है। भारत सरकार ने पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए एक स्वच्छता अभियान के तहत वो प्लास्टिक को खत्म करने की बात की है, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पर पहले 12% उस पर टैक्स लगता था, लेकिन अब उस पर केवल 5% टैक्स करके मुझे लगता है कि पेट्रोल की बचत के लिए और इसके अलावा ये जो पॉल्यूशन पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, हम इसके लिए भारत सरकार का स्वागत करते हैं। और छोटा व्यापारी GST के कारण से आम व्यापारी पर बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दायरे में आने के लिए चीज़ें इसको रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी था। मुश्किल भी आई लेकिन पूरे भारतवर्ष के व्यापारी ने सरकार का साथ दिया इस रिफॉर्म्स के। मैं भी जब स्पीकर था तब GST का ये सारा पास किया गया, तो मुझे लगता है कि इस सारे दायरे में ये दिक्कतें आ रही थी उसके कारण से अब अरुण जेटली भी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके समय में हर महीने GST काउंसिल की मीटिंग होती और GST काउंसिल की मीटिंग के बाद जो भी दिक्कतें ऑफिसर्स की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या सरकार की तरफ से फीडबैक मिलता था उस सभी पर एक्शन लिया जाता था। उसी की तहत अब GST की जो रिटर्न जो 2 करोड़ रुपये तक एक व्यापारी को मैंडेटरी थी भरना, अब उसको उसके लिए एग्जम्प्ट किया गया है। मुझे लगता है एक बड़ा सराहनीय कदम है और कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री इससे जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है आने वाले समय में, ये जो यूटी के माध्यम से हम बहुत लोगों को बाहर से बुला रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टमेंट होंगे, कॉरपोरेट टैक्स खत्म करने के बाद
जो 30% का जो दायरा था उसको 25% में लाया गया, जो 25% का दायरा था जो 25% का 217% पे लाया गया, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक साइकिल है। और मुझे लगता है कि कॉरपोरेटर के माध्यम से जब पैसा मार्केट में आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद ये जो रिसेशन एक रहता है तो उसमें काफ़ी ये जो इससे हम निकलेंगे, भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक नीति के तहत हम पूरे, जैसे मैंने पहले अपनी बात में कहा कि 14% जो 2014 तक जितना जो टैक्स भारत में सबसे ज़्यादा था उसके बाद बहुत फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर जब बाहर जाते हैं उसे डिस्कस करके, हालांकि चाइना का जो बाज़ार है दूसरे बाज़ार है भारत पर काफ़ी भारी हो रहे थे, मुझे लगता है कि इन सभी रिफॉर्म के साथ मेक इन इंडिया जो एक भारत सरकार की तरफ से बड़ा कदम लिया गया है, भारत में बनी चीज़ को स्वदेशी को हम प्राथमिकता दें, मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों में आने वाले समय में फर्क पड़ने वाला है। तो मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय इन्वेस्टर्स आकर के जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करें, इसमें हमारे टूरिज्म सेक्टर में, इसमें दूसरे सेक्टर्स में, और ख़ास करके आम आदमी से जो जुड़ेगी दाल से लेकर के हर चीज़ जो उसके नित्य प्रति काम आने वाली है उसके फायदा होने वाला है। आपका बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने बात को बताने सारी चीज़ें, लेकिन जो जम्मू का अगर हम बात करें, अभी पीछे चैम्बर और साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन उसका वापस ले ली, कहा कि गवर्नर से मिलेंगे और बात करें, लेकिन उनको आश्वासन नहीं मिला। अभी भी डिससेटिस्फाइड है, अभी भी जो ट्रांसपोर्ट खासकर जो शोरूम्स हैं, 9% टैक्स जो लगा हुआ है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जो हो रही हैं जो जम्मू में, खासकर जो इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्री भी कह रही है कि हमें रिवाइव किया जाए, उसके बारे में आप लोगों ने कुछ प्लान किया है? और जो डिमांड उनकी है उनको, क्योंकि जम्मू के लोग जो है खासकर बिजनेस जो है वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इफेक्ट हुआ है। आपकी जानकारी देखिए, जब तो बड़े धंधे नहीं आते तो कुछ ना कुछ उनका असर रहता है और जम्मू कश्मीर के आम लोगों पर, व्यापारियों को असर हुआ है समय समय पर। इसके बारे में हम अपने केंद्र के ध्यान में भी लाते हैं और केंद्र के ऊपर एक्शन भी करता है, तो पिछले दिनों में सारी चीज़ें उनके ध्यान में लाई गई। अभी भी जो इनकम टैक्स भरने की जो स्थिति है उसको आगे किया जाए, अभी दस मिनट पहले मैंने उनको अपने यहाँ पर क्योंकि जहाँ तक इनका सवाल है हमारे ट्रांसपोर्टर का, और बाकी में 22-8 से लेकर के उसके बाद जो गाड़ियाँ जो मार्गों में होती है उसमें जो डेप्रिसिएशन 15-30% लागू होने वाला है, जहाँ तक व्यापारियों की जो डिमांड है सामने उसमें जिस प्रकार की भी उन्होंने डिमांड की है, मुझे लगता है 2 या 3 दिन में नीचे ही पर विचार किया जाएगा। और सरकार का मानना ही यही होता है कि लोगों के हितों को रक्षा करें। मुझे लगता है कि आपके कहने के बाद उसका